हेलो ट्वेल्थीज, तो करते हैं आज की क्लास शुरू क्योंकि आ गया आपका मैथ्स का गुरु। आज हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट, बच्चों आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस है मैं उसे 1, 2, 3, 4 के ऑर्डर में नहीं रख रहा, यानी सीरियल वाइज नहीं कर रहा, बल्कि कभी 1, 2 के बाद क्वेश्चन 7 पे, देन क्वेश्चन 6 पे, ऐसे ऑर्डर में कर रहा हूँ। इसका एक रीज़न है, बेसिकली मैं चाहता हूँ एंड मोस्ट ऑफली आप भी चाहते होंगे कि आप आइडेंटिफाई करना सीख जाए कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, यानी जैसे मैं बोलता हूँ दिमाग चलाना सीख जाए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे पता लगाए, क्योंकि ट्रिगो में बस यही प्रॉब्लम आता है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये बच्चा थोड़ा सा मुश्किल से आइडेंटिफाई कर पाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं पढ़ा एक्सरसाइज 2.2 रहा हूँ और पिक में क्वेश्चन 7 कर लूँ मिसलेनियस का, जो कि भी होने वाला है, ऐसा भी होगा, बट उसका रीजन यही है कि आप लोग अपना दिमाग चलाना सीख जाए। तो फिलहाल हम पिक कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस का, ओल्ड बुक्स में क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रूव करना है टैन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1+x। सबसे पहला सवाल आता है कि कौन सी साइड सॉल्व होगी, तो सॉल्व होगी RHS, कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1+x। ये तो आप देख के बता देंगे कि RHS सॉल्व होगी। अब पॉइंट ये आ रहा है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें। ध्यान से सुनना और देखना, इसके ऊपर जरा फोकस करो, 1 - x एंड 1+x। देखो इससे मिलता जुलता कोई क्लास 12th का फॉर्मूला है आपके रेफरेंस के लिए, ये क्लास 11 के फॉर्मूला हमने पढ़े थे, देखो यहां पर और यहां पर देखो, कोई है इससे मिलता जुलता 1 - x अपॉन 1+x, यानी एक्स या कुछ हो जाए ताकि फॉर्मूला बन जाए कुछ, देखो साफ साफ आप देख ही सकते हैं 1 - tan² अपॉन 1+tan². अब बच्चा बोलता है सर हम अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बट इसका एक तरीका है, आप क्या करें अपने क्लास 11th के जितने भी फॉर्मूलाज में लिखवा रहा हूँ उसको एक जगह पर नोट कर ले, इसी तरह क्लास 12th के फॉर्मूलाज को एक जगह पर नोट करें और जब पढ़ने बैठे उसे बार बार यूज करें, बार बार उसे देखें, आपका दिमाग अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा कब क्या चीज़ यूज करनी है। अब क्वेश्चन पे वापसी आते हैं, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम x की जगह लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले यहाँ से स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर के लिए रूट करेंगे, रूट x इज इक्वल टू tan थीटा, tan यहाँ भेजिए, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू थीटा, डाल दो वैल्यू 1/2 cos इनवर्स थीटा tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला है मेरा cos 2 थीटा का, cos से cos कैंसिल, 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, थीटा क्या था मेरा tan इनवर्स रूट एक्स, चेक कर लो बन गया। अब अगला क्वेश्चन कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जिसे अब याद कर ले तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। पहला केस केस नंबर 1 इज 1 - cos x इज इक्वल टू 2 sin² x/2, 1 - cos x इज इक्वल टू 2 sin² x/2। ये कैसे बना, हमने बचपन में पढ़ा था, यानी लास्ट ईयर पढ़ा था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मेरा 1 - 2 sin² थीटा, राइट। अब 2 sin² थीटा को यहाँ करो, cos 2 थीटा को यहाँ करो, यानी बनेगा 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा। जरा ध्यान से नोटिस करिए, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा हो गया, अगर यहाँ मैं थीटा कर दू, अगर इधर की तरफ थीटा कर दू तो यहाँ कितना होना चाहिए, थीटा बाय 2। इस बात को जरा समझिए, यहाँ 2 थीटा, यहाँ थीटा, अगर मैं यहां 4 थीटा करता, अगर यहां मैं 4 थीटा करता तो यहां कितना होता 2 थीटा, बेटा अगर यहां मैं 8 कर देता 8 थीटा तो यहां कितना होता 4 थीटा, बट अगर मैं यहां पर
थीटा कर दूं, अगर यहां पर थीटा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाय टू, राइट, बन गया फॉर्मूला थीटा की जगह एक्स से बस। अब इसी के ऊपर बेस एक और है, वन प्लस कॉस एक्स, ये होता है मेरा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। अब ये कैसे बना, सेम तरीका, हमने पढ़ा कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। वन को यहां भेजिए, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन सेम तरीका, टू थीटा तो यहां थीटा, अगर यहां पर हम कर दे फोर थीटा तो राइट हैंड साइड हो जाएगा मेरा टू थीटा, यहां एट कर दूं तो यहां हो जाएगा फोर थीटा, राइट। अगर अब मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कर दूं थीटा तो राइट हैंड साइड में होगा थीटा बाय टू, थीटा की जगह बस एक्स है, क्या है थीटा की जगह हमने एक्स लिखा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज 2.2 का है, ये बात मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट, ये मिसलेनियस का है और ये एक्सरसाइज 2.2 का है, क्या है ओल्ड में क्वेश्चन 7 है, टैन इनवर्स, टैन इनवर्स आई फॉरगॉट, हो सकता है थोड़ा आप लोग को कम दिख रहा हो, टैन इनवर्स रूट में वन माइनस कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, वन माइनस कॉस एक्स अभी पढ़ा पीछे, टैन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स क्या होता है मेरा टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, वन प्लस कॉस एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, रूट में टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाता है टैन स्क्वायर, टैन स्क्वायर एक्स बाय टू, रूट में टैन स्क्वायर तो बन जाएगा टैन, यानी टैन इनवर्स टैन एक्स बाय टू, टैन इनवर्स से टैन कट गया तो मेरा आंसर कितना आया, मेरा आंसर आ गया एक्स बाय टू, ये था। अब क्वेश्चन फाइव से पहले एक स्पेशल केस लिख लो, बहुत काम आएगा, स्पेशल केस नंबर थ्री, इसको कराने से पहले कुछ क्लास इलेवेंथ के फॉर्मूलाज हम कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी ये वाले फॉर्मूलाज, तो कहाँ लिखे, यही लिख देते हम क्लास इलेवेंथ के फॉर्मूला, क्लास इलेवेंथ फॉर्मूलास, फॉर्मूला नंबर सेवन, साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर यहां माइनस कर दूं तो यहां पर भी माइनस, अब होता है कॉस ए प्लस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर यहां प्लस तो यहां माइनस और यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां प्लस, फिर नेक्स्ट होता है टैन ए प्लस बी ये होता है मेरा टैन ए प्लस टैन बी अपॉन में वन माइनस टैन ए टैन बी, अब होता है टैन ए माइनस बी, ये क्या हो जाता है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन में वन प्लस टैन ए टैन बी,
ये फॉर्मूला नोट करिए। अब आते केस पे, केस क्या है, अगर कभी भी आपका, अगर कभी भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है, cos x plus sin x अपॉन में cos x minus sin x, इसमें हो चाहे ऊपर माइनस नीचे प्लस हो, तो यहाँ कुछ स्टेप होते हैं, वो ध्यान से देखिएगा क्या होते हैं। क्या करूँगा बेटा, मैं डिवाइड कर दूंगा और ये अपने स्टेप्स करके आने हैं एग्जाम में, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। हम cos x से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, फायदा क्या होगा, ये हो जाएगा cos x बाय cos x प्लस sin x बाय cos x अपॉन में cos x बाय cos x माइनस sin x बाय cos x। क्या बनेगा ये, ये बनेगा 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x। अब फोकस करना, 1 क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ tan pi by 4 और tan x को tan x नीचे नहीं लिखूंगा, 1 माइनस क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan x को 1 इंटू में tan x। अभी आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों कह रहे हो सर, बताता हूँ बेटा, ये बना tan pi by 4 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan pi by 4 इंटू tan x। ध्यान से देखो किसका फॉर्मूला, ये है tan pi by 4 प्लस x का। अगर आप इसे एक्सपैंड करेंगे फॉर्मूले से तो बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चेक कर लो, यही फॉर्मूला लग गया है, और tan pi by 4 की वैल्यू होती है 1, राइट। तो ये चीजें, ये स्टेप्स आपको करके आने, कौन कौन सा, एक ये वाला, ये वाला, दिस वन, दिस वन। इसके बाद वैसे आप इसके बाद चाहे तो डायरेक्ट ही ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो ये दो स्टेप आप स्किप कर सकते हो, दिस वन एंड दिस वन। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी तरह केस फोर क्या है, अगर हो cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x, यहां पर मेरा प्लस था, यहां माइनस था, अब उल्टा है, स्टेप सेम ही है, डिवाइड करेंगे क्या, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, cos x से डिवाइड कर दो, बनेगा 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, फिर वही 1 को लिखेंगे tan pi by 4 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan pi by 4 इंटू tan x। फॉर्मूला होता है मेरा tan pi by 4 माइनस x का। क्वेश्चन नंबर 5, ओल्ड बुक का क्वेश्चन 8 है, ये पढ़ते क्या कहते हैं, इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म निकालनी है, सिंप्लीफाइड tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। कोई पूरे स्टेप्स होंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से, ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, tan इनवर्स ये होता है tan pi by 4 माइनस x, कैंसिल, तो आंसर क्या है, pi by 4 माइनस x, ये आंसर है। अब एग्जाम्पल 4, बट एग्जाम्पल 4 से पहले अगेन एक स्पेशल केस। सर कितने स्पेशल केस है बेटा, ये स्पेशल केस आ गए तो समझ जाओ आपको चैप्टर 5
और चैप्टर नंबर 7 में बहुत हेल्प मिलेगी। जरा ध्यान से देखिएगा, यह है 1 माइनस साइन एक्स। और कभी भी ऐसा आ जाए तो ये इक्वल होता है कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर के। कैसे बना वो बताते हैं। इसी तरह अगर आपका केस आ जाए 1 प्लस साइन एक्स, तो वो इक्वल होता है कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू के होल स्क्वायर के। कैसे बनेगा जरा ध्यान से समझते हैं। वन हमने बचपन से पढ़ा है, वन की आइडेंटिटी क्या होती है? क्या वन को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? हमने बचपन से पढ़ा है ये चीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट? तो क्या 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? अब यहां पर है एक्चुअली एक्स बाय टू, नॉट एक्स, माय बैड, इट्स साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। फिर आगे है माइनस साइन एक्स। मैं साइन एक्स पे साइन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला। साइन टू थीटा क्या होता है मेरा? टू साइन थीटा कॉस थीटा, यानी एंगल हाफ हो जाए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अरेंज कर दिया जरा इसको, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। यहां से समझिए, अगर यहां टू थीटा था साइन टू थीटा, तो यहां एंगल थीटा, अगर हम एंगल करते साइन थीटा एंगल भी हाफ, साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। सेम यहां पर थीटा की जगह बस एक्स है। बेटा ये आइडेंटिटी बन गई मेरी किसकी? सर ये बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, जो कि किसके इक्वल होती है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर के। यानी ये हो गया मेरा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। सेम इधर भी है, अगेन एल एच एस, वन को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और इस पे आइडेंटिटी यूज कर देंगे साइन टू थीटा की, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। अगेन ये भी सेम फॉर्मूला बन रहा है, बट कौन सा? ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या बनेगा? ये हो गया कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, क्या सर ये स्टेप हम आपको करके दिखाने हैं? यस बेटा, बिल्कुल एग्जाम में करनी है। अगर आप ये भूल जाते हैं, आप सीधा से लर्न भी कर सकते हैं। कई बार चीज के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर नहीं काटता और कई बार नंबर डिडक्ट कर लेता। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल फोर क्या? टैन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है, टैन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, यानी मैं आपकी जगह पर हूं, तो सवाल ये आते मैं अपने दिमाग कैसे चलाऊं, और क्या इसके टिप्स है, क्या ट्रिक्स है कि कब क्या चीज करनी चाहिए? बेटा अभी हमने एक पॉइंट पढ़ लिया कि 1 माइनस साइन एक्स का तो एक फॉर्मूला है, पढ़ा ना अभी हमने, क्या फॉर्मूला है सर?
वन माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला है कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। इतना फॉर्मूला तो अप्लाई करना आता है। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए, यहाँ एंगल कितना हो गया x बाय टू, यहाँ एंगल कितना है x। बेटे एक रूल होता है ट्रिगो का कि आपका एंगल हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी अगर ऊपर x है या नीचे x बाय टू है तो एंगल सेम होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, या तो इसको डबल कर दूं या इसको हाफ कर दूं। तो इसको हाफ करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हाफ करने के लिए हम आपको कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब सर कॉस टू थीटा के तो चार फॉर्मूलेज हैं। पहला फॉर्मूला ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला ये टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तीसरा फॉर्मूला ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, फिर है ये वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मेरे को बताओ कि कौन सा फॉर्मूला मिलता जुलता है, कौन सा फिट बैठना चाहिए आपके कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, इससे मिलता जुलता कौन सा है, खुद सोचो। आप जट से बोलोगे सर ये वाला ही फॉर्मूला इससे मिलता जुलता, बिल्कुल बेटा, तो यही फॉर्मूला यूज करिए। टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कॉस एक्स बाय टू, सॉरी कॉस पर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन में कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। अब ऊपर ध्यान से देखिए, ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, ऊपर मैं लगा सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी टैन इनवर्स कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, फिर कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन में कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। अब एक इससे ये कट गया, क्या बच गया, टैन इनवर्स कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन में कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। अगेन पीछे वाला केस आ गया सारा, अब तो आंसर यही आने वाला है, क्या होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बाय टू, कॉस एक्स बाय टू से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये होगा मेरा टैन इनवर्स वन प्लस टैन एक्स बाय टू अपॉन वन माइनस टैन एक्स बाय टू। यू गेट टैन इनवर्स टैन फाइव बाय फोर, फाइव बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, कट गया, आंसर आएगा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं चाहूंगा पहले वीडियो पॉज करें एंड ट्राई करें। ये है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 ओल्ड बुक्स में, न्यू बुक्स में क्वेश्चन 9 है, एक बार इसे अटेम्प्ट करें राइट नाउ। चलिए बेटा आइए देखते हैं, अब यह है कॉट इनवर्स, क्वेश्चन 9 में है कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, प्रूफ करना एक्स बाय टू के इक्वल। अब एल एच एस पिक करेंगे 1 प्लस साइन एक्स, इसको देख के किसकी याद आ रही है, आप सब समझ चुके होंगे 1 प्लस साइन एक्स क्या होता है मेरा, अभी हमने पीछे पढ़ा है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर। अब ये रूट में है, रूट में तो क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ये। अब वैसे मैं बता दूं आपको, रूट लगा रहे तो प्लस माइनस भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सवाल है कौन सा लेंगे, आपके सिलेबस में पॉजिटिव भी है, डोंट वरी अबाउट दैट। इसका यूज होता है, बट इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा डोमेन के साथ कि इनका यूज क्या है और कब यूज करना चाहिए। बट फिलहाल क्योंकि x उसने वैसे ही बोल दिया जीरो से पाई बाय फोर है, x जीरो से पाई बाय फोर, इसका मतलब आपका x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। वापसी आते हैं, अब पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, cos x by 2 plus sin x by 2, सिंपली रूट हट गया। इसी तरह 1 minus sin x, ये होता है cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर, रूट में 1 minus sin x क्या हो जाएगा, cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर पूरा रूट में, और जैसे ही हटाया तो ये बनेगा cos x by 2 minus sin x by 2। फाइनली cot इनवर्स क्या बनेगा, cot इनवर्स ये हो गया, इसकी आएगी वैल्यू cos x by 2 plus sin x by 2, cos x by 2 plus sin x by 2 प्लस इसकी जगह वैल्यू क्या आएगी, cos x by 2 minus sin x by 2, cos x by 2 minus sin x by 2 अपॉन में cos x by 2 plus sin x by 2 माइनस ये पूरी वैल्यू, ब्रैकेट बना लेना अक्सर छूट जाता है, cos x by 2 minus sin x by 2, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, cot इनवर्स ये तो कैंसल हो गया। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका cos x by 2 cos x by 2 कैंसल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा 2 cos x by 2 अपॉन, नीचे आएगा 2 sin x by 2, 2 से 2 कैंसल, cot इनवर्स cot x by 2 कट गया, आंसर आ गया x by 2, और यही आपको प्रूफ भी करना था, सिंपल। तो एक बार क्वेश्चंस को बिना देखे खुद ब खुद अटेम्प्ट करिए और फॉर्मूलेस का यूज बार बार करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, बाय बाय।